यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा, क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना आलिम फाजिल लोग आए होते हैं, लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। और एक ऐसा खबीस जो अपने आप को महंत और पुजारी बताता है, डासना देवी गाजियाबाद का रहने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है, महज यहाँ पर उसकी चुनौती को मैं जवाब देने के लिए नाम ले रहा हूँ, कि आज इस खबीस ने, इस मलून ने फिर से एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक पर और चुनौती देता है, और इसी की तरफ से तारीख का ऐलान भी होता है। ये हम सबको बुलाता है कि 17 जून 2022 को दिल्ली की जामा मस्जिद ये आएगा, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक इसके पास जो कुछ भी मवाद मौजूद है, वो हकीकत जिसको ये कह रहा है वो बताने के लिए आएगा। मैं स्वीकार करता हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में ये फ़कीर भी हाजिर रहेगा। मैं इंतज़ार करता हूँ इस लोमड़ी के बच्चे का, ये गुफे से निकल कर के बाहर आ जाए, कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे, तू अपने बगैर बॉडी गार्ड के टट्टी भी नहीं कर सकता, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में आने की बात करता है, इंतज़ार होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं भी तनहा आता हूँ, एक बात ये याद रख, अगर तू नहीं आया और बहानेबाजी किया तो फिर समझा जाएगा कि तू खुद नाजायज़ बाप की औलाद है।